लोकसभा के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में तीन सीटें हैं, कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव। तीनों ही सीटों का अपना अपना पॉलिटिकल इक्वेशंस है। दोनों ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, यह दावा कर रही है कि वो तीनों सीटें जीतेगी। दोनों ही पार्टियां यह भी कह रही हैं कि वो छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जीतेगी। बावजूद इसके, इनके इक्वेशंस और यहां के मतदाता डिसाइड करेंगे कि वो किसे चुनना पसंद करेंगे। अगर मैं देखूं तीनों सीटों में प्रत्याशियों की संख्या, तो 36 प्रत्याशी मैदान में है। राजनांदगांव में 14, राजनांदगांव से 14, कांग्रेस से 9 और महासमुंद से 13 प्रत्याशी। अगर कांकेर की मैं बात करूं तो जो शेड्यूल ट्राइब सीट है कांकेर, और वहां पर कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि वो आसानी से जीत दर्ज कर लेगी, क्योंकि हाल ही के विधानसभा चुनाव में उसने कांकेर लोकसभा के अंतर्गत 8 विधानसभा में जीत दर्ज की थी। राजनांदगांव में कांग्रेस ने 8 में से 6 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1 और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को 1 सीट मिली थी। तो वहां कांग्रेस यह सोच रही है, समझ रही है कि कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, जिनका गढ़ है राजनांदगांव, वो उनको टक्कर दे सकते हैं। अगर महासमुंद की मैं बात करूं तो महासमुंद में 8 विधानसभा सीट है, महासमुंद लोकसभा सीट के अंतर्गत, उसमें 5 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और 3 भारतीय जनता पार्टी के पाले गया था। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात से आश्वस्त है कि वो अपने खोए हुए जनाधार को, जो उसने खो दिया था हाल ही के विधानसभा चुनाव में, वो उसे वापस पा जाएगी और इस बार जीत दर्ज कर लेगी। अगर मैं तीनों सीटों की बात करूं तो कुल मतदान केंद्र है 6484, जिसमें कि संवेदनशील मतदान केंद्र है 1104 और अति संवेदनशील मतदान केंद्र है 314। यह हमको समझना पड़ेगा कि पहले चरण में बस्तर में जिस तरह चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से करा लिए गए थे, बावजूद इसके कि नक्सलियों ने कुछ कहीं खलबली मचाने की कोशिश की, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की, मगर जान माल को हानि नहीं पहुंची। इस बार भी ये तीनों सीट कहीं ना कहीं से नक्सलियों द्वारा प्रभावित है। अगर मैं महासमुंद सीट की बात करूं तो देवभोग से धमतरी तक के नक्सलियों की आमद दिखती है। राजनांदगांव सीट में मोहला मानपुर की ओर दिखता है, और कांकेर में उसका एक अच्छा खासा पार्ट जो है वह नक्सल इन्फेस्टेड है। तो इसीलिए अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में, जो कि जिसकी संख्या 314 है, यहां पर लोगों की नजरें, खासकर चुनाव आयोग की नजरें गड़ी रहेंगी कि वहां चुनाव अच्छे से संपन्न हो जाए। तो अगर फोर्सेस की बात करूं, सिक्योरिटी पर्सनल्स की बात करूं, तो कुल 89 कंपनियां लगी हैं इन तीनों ही लोकसभा क्षेत्रों में। राजनांदगांव में 13 कंपनियां, महासमुंद में 9 कंपनियां और सबसे अधिक कांकेर में 67 कंपनियां, क्योंकि वहां पर संवेदनशील मतदान केंद्र भी ज्यादा है और अति संवेदनशील मतदान केंद्र भी ज्यादा है, हाइपर सेंसिटिव मतदान केंद्र ज्यादा है, और साथ ही साथ नक्सलियों का वहां पर अटैक के चांसेस ज्यादा है, नक्सलियों से खतरा ज्यादा है। वहां पर एहतियातन पहले ही सारी सिक्योरिटी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर लिया गया, तीनों जगह में कर लिया गया है, लेकिन कांकेर के प्रति ज्यादा एक फोकस्ड मैनर में काम किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई आईडी ब्लास्ट या किसी प्रकार का कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जिससे कि पोलिंग टीम्स को वहां पहुंचाने में दिक्कतें हो। दूसरे चरण की सीट में अगर मैं मतदाताओं की बात करूं तो कुल संख्या तीनों ही सीट में छत्तीसगढ़ के 49,07,489 मतदाता हैं। इनमें 24,38,320 पुरुष, 24,69,110 महिला और 59 अन्य। सबसे बड़ी बात की दूसरे चरण में तीनों सीट में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। उम्मीद हम करते हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़कर जोश खरोश के साथ इस बार मतदान करेंगी। अगर मैं एक पूरा आंकड़ा समझने की कोशिश करूं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो दोनों ही पार्टियां तीनों सीट्स में अच्छा खासा कोशिश कर रही हैं कि अपने प्रतिष्ठा को बचा लें। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने अच्छी खासी लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की थी 2018 के अंत में यहाँ विधानसभा चुनाव में, वो चाहेंगे कि वो तीनों सीटें उनके पाले में आए। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, जिनकी छवि कुछ धूमिल हुई है पिछले विधानसभा चुनाव के समय से, वो प्रयास करेंगे कि अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस ले आए। उनका अपना सीट राजनांदगांव सीट है, अभी विधानसभा सीट जो एकमात्र सीट वो बचा पाए। पिछले लोकसभा चुनाव में उनके पुत्र जीते थे यहाँ से लोकसभा से,
उनसे भी वो उम्मीद करते हैं कि वो दोनों पिता पुत्र मिलकर उस सीट में कुछ करामत कर पाए, करामत कर पाए और अपने प्रत्याशी को जिता पाए। तो दोनों ही पार्टियां लगी हुई हैं, अच्छी खासी मेहनत कर रही हैं। अब देखना यह है कि वोटर किस पार्टी को यहाँ पर, किस पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पर अगले 5 साल के लिए मौका देंगे।